बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो लोगों ने घटना के विरोध में नैनीताल हाईवे को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। बताया जाता है कि मासूम के साथ रेप की घटना उस समय हुई जब वह पड़ोस की दुकान पर कोई सामान खरीदने गई थी। फिलहाल इज्जत नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला था और रोड जाम भी क्या था, क्या मांगते थे, कैसे ये जाम छुड़वाया गया? थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली, सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि एक जो बच्ची हैं वो तो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई थी। बच्ची कुछ देर बाद वापस नहीं आई तो घर वालों ने उन्हें खोजते हुए पहुंचा तो बच्ची एक जगह पे रोती हुई पाई गई। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और जिसमें पता लगा है कि बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म जैसी घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। घर वालों के द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई। घर वालों के द्वारा जैसे ही तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। अभी जो है पुलिस की जो इसमें चार टीमें लगा दी गई, सभी टीमें जो है अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जा रहा है। बच्ची से भी पूछताछ की जा रही है, बच्ची जो भी कुछ लीड रहेगी उसके आधार पे और जो सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं और आसपास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है, जो जानकारी हासिल होगी और जो मुकदमा सुसंगत धारा में लिखा जाएगा उसके आधार पर इस पर हम लोग तुरंत जो भी विधि कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे और जो भी इसमें व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करके मैक्सिमम इसमें हम लोग जो भी कार्रवाई होगी करवाएंगे। जो अभी ये मेडिकल रिपोर्ट जो आ जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी।